नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, यदि आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है और यदि आप वह लोन की EMI का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पा रहे, तब बैंक वाले के कलेक्शन वाले आपसे कंटिन्यूअस फॉलोअप लेते हैं। वह उस बैंक की EMI के पेमेंट के लिए आपको कंटिन्यूअस फॉलोअप लेते हैं, आपके घर पर भी विजिट करते हैं। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि कलेक्शन वाले काफ़ी शॉर्टकट कोड यूज़ करते हैं, हो सकता है जिसका मतलब आपको नहीं पता। तो आज के वीडियो में मैं आपको कलेक्शन के सभी शॉर्टकट कोड को डिटेल में बता दूंगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट कोड होता है जो कि कलेक्शन वाले यूज़ करते हैं, वो होता है DRA। DRA यानी कि डेब्ट रिकवरी एजेंट, यानी कि जो भी एजेंट होता है जो आपसे आपके लोन की EMI का बार बार कलेक्शन मांग रहा है, ऐसे पर्सन को डेब्ट रिकवरी एजेंट कहते हैं। और सेकेंड कोड कलेक्शन वाले यूज़ करते हैं जो कि है IWTC, यानी कि इशू विथ टेली कॉलर अब्यूसिंग कॉलिंग, यानी कि उन्होंने आपसे कॉल कर कर आपसे सही तरीके से बात नहीं की। और सेकेंड है बॉडी शेमिंग, यानी कि वो आपने आपका मजाक उड़ाया, सबके सामने आपको कुछ गलत कहा। और थर्ड है मिस बिहेवियर विथ कस्टमर और रिलेटिव, हो सकता है कि लोन वाला जो भी एजेंट आपके घर पर आता है वो आपसे दुर्व्यवहार करता है। और नेक्स्ट है थ्रेट गिवन टू कस्टमर, यानी कि कलेक्शन वाले कस्टमर को बार बार धमकी देते हैं, वो भी IWTC के अंदर आता है। और नेक्स्ट है यूजिंग पर्सनल डिटेल्स एंड मिस यूज दैम, यानी कि कस्टमर का पर्सनल डिटेल्स यूज करके उसको मिस यूज किया गया है, यह भी IWTC के अंदर आता है, जिसे कि इशू विथ टेली कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट है CP। CP यानी क्लेम्स पेड, यानी कि कस्टमर ने यह दावा दे दिया है कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है। और नेक्स्ट है CBRE, यानी कि कस्टमर बिजी रिविजिट, कस्टमर इज करंटली बिजी रिक्वेस्टिंग फॉर रिविजिट, यानी कि जब भी कलेक्शन वाले आपके आते हैं तो आप कुछ रीजन से बिजी होते हैं, तो आप बोलते हैं कि आप दूसरे दिन आओ, तो ऐसा कोड CBRE के अंदर आता है। और फिर नेक्स्ट है पेड, यानी कि कस्टमर ने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो ऐसा लोन पेड में आता है। और फिर नेक्स्ट है PTP। PTP यानी प्रॉमिस टू पे, यानी कि यदि कलेक्शन वाले आपको कॉल करते हैं तो आपको एक डेट देते हैं कि मैं इस डे को आपकी EMI का पेमेंट कर दूंगा, तो ऐसे डेट को PTP कहते हैं, प्रॉमिस टू पे, यानी कि उस डेट पर कस्टमर पे करने वाला है। नेक्स्ट है FPTP, यानी कि फ्यूचर प्रॉमिस टू पे, यानी कि कस्टमर के लोन की EMI का पेमेंट कस्टमर बोल रहा है कि काफ़ी दिनों बाद भर गया, यानी कि 1 महीने 2 महीने बाद का डेट दे रहा है, तो ऐसा कोड FPTP के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है BPTP, यानी कि ब्रोकन प्रॉमिस टू पे, यानी कि कस्टमर ने एक प्रॉमिस दिया था, उन्होंने एक डेट बताया था लेकिन उन्होंने वह डेट पर भी पे नहीं किया, तो ऐसा कोड BPTP के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है ANF, यानी कि एड्रेस नोट फाउंड, यानी कि यदि आपको कलेक्शन वाले आपके घर पे लोन की रिकवरी के लिए विजिट कर रहे हैं और उन्हें एड्रेस नहीं मिल रहा, तो वह बैंक में ANF दिखाते हैं, यानी कि एड्रेस नॉट फाउंड। और फिर नेक्स्ट कोड है शिफ्टेड, यानी कि यदि बैंक वाले आपके घर पे विजिट करते हैं जो कि आपने बैंक में रजिस्टर्ड एड्रेस दिया हुआ है, और यदि वह एड्रेस पे पहुंचते हैं तब उन्हें जाके पता चलता है कि कस्टमर वहाँ नहीं रह रहा है, तो ऐसे में वह बैंक में एज अ शिफ्टेड कोड दिखाते हैं कि कस्टमर वहाँ नहीं रह रहा है। नेक्स्ट कोड है DL। DL यानी कि डोर लॉक, यानी कि कस्टमर ने आपके यहाँ विजिट किया तब उन्हें पता चला कि आपका घर बंद है, यानी कि डोर लॉक है, तो ऐसे केस में वह बैंक में DL रिपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है LM। LM यानी कि लेफ्ट मैसेज, यानी कि बैंक वाले ने आपके यहाँ विजिट किया लेकिन कस्टमर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपना कुछ मैसेज, यानी कि अपना नाम नंबर वहाँ किसी थर्ड पार्टी को या तो वह डोर पर दे दिया है, तो ऐसे में वह बैंक में LM रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है CB। CB यानी कि कॉल बैक, यानी कि जब भी बैंक वाले आपके यहाँ विजिट करते हैं तो आप नहीं मिलते और वो आपको कॉल भी लगा रहे हैं लेकिन आप कॉल भी नहीं उठा रहे, तो ऐसे केस में वो CB रिपोर्ट करते हैं, यानी कि कॉल बैक, इन फ्यूचर बैंक वाले आपको फिर कॉन्टेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी कि कस्टमर का किसी भी रीजन से डिस्प्यूट हो सकता है, यानी कि कस्टमर डिस्प्यूटिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट रेट लग रहा है कि अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, या तो कुछ उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अमाउंट पे कर दिया लेकिन बैंक वाले ने वो अभी तक नहीं दिखाया, यानी कि यदि कस्टमर ने किसी का कैश में पेमेंट किया है और वो बैंक वाले से रिसीट नहीं लिया है, और हो सकता है कि वह एजेंट ने वो बैंक में जाकर वो कैश डिपॉजिट नहीं किया और ना कस्टमर के पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने वो लोन का EMI का पेमेंट दे दिया है, तो ऐसे केस में भी डिस्प्यूट चलता है। और फिर नेक्स्ट है EMI कलेक्टेड बाय कोई थर्ड एजेंसी, यानी कि बैंक की कोई थर्ड एजेंसी ने EMI कलेक्ट किया है जो कि बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, और ना ही कस्टमर ने कोई प्रूफ भी मांगा था और ना ही कस्टमर के पास इसीलिए कोई प्रूफ है, तो ऐसे केस में भी बैंक वाले डिस्प्यूट रिपोर्ट करते हैं। और फिर नेक्स्ट है फ्रॉड, यानी कि बैंक वाले कस्टमर को कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं और ना कॉल उठा रहा है ना मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं वो बार बार अपना एड्रेस चेंज कर रहा है, ना ऑफिस में मिल रहा है, तो ऐसे केस में बैंक वाले वह फ्रॉड रिपोर्ट करते हैं कि कस्टमर ने बैंक के साथ फ्रॉड कर दिया है। और फिर नेक्स्ट है RTP। RTP यानी रिफ्यूज टू पे, यानी कि कस्टमर ने पेमेंट देने से मना कर दिया है।
फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वीडियो में इजीली पता चल गया होगा कि कलेक्शन वाले किस किस कोड का यूज बैंक में करते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं।